लाडली बहन अमर कौर, मैंने तो अंग्रेजों के खिलाफ एक अभियान एक लड़ाई छेड़ी। उस जुर्म में ने गौरे अंग्रेजों ने मुझे जेल में कैद किया और सजा भी सुना दी। लेकिन लाडली बहन अमर कौर, तुम किस जुर्म में से जेल में आई हो? तुमने ऐसा क्या खोट किया? भैया भगत सिंह, मैंने कोई खोट नहीं किया है। तो जेल में किस तरह से आना हुआ? इस जेल के अंदर मैं अपने भाई भगत सिंह से मिलने के लिए आई हूँ और समझाने के लिए आई हूँ कि ये मेरे भाई भगत सिंह, तू इन अंग्रेजों से माफी मांग ले। अगर तू इन अंग्रेजों से माफी मांग लेंगे तो ये अंग्रेज तुझे फांसी पे नहीं चढ़ाएंगे और तेरी बहन ये अमर कौर नहीं चाहती कि उसका भाई भगत सिंह फांसी पे चढ़े। इसीलिए हाथ जोड़ के कहती हूँ कि इन अंग्रेजों से माफी मांग ले भैया, इन अंग्रेजों से माफी मांग ले। कि आजादी की लड़ाई में हो ना सकता फेल में, और आजादी लाकर रहूंगा चाहे मारा जाऊं जेल में। एक दिन मेरे हिंदुस्तान में आजादी आएगी, भगत सिंह मर जाएगा तो भगत सिंह की राह पर ये लाखों करोड़ों युवा भगत सिंह बनकर के चलेंगे। इन अंग्रेजों को एक नहीं, हिंदुस्तान के करोड़ों भगत सिंह नजर आएंगे। लेकिन तुम नहीं जानते भैया कि तुम्हारी इस हालत देखकर मैं अपने दिल को नहीं रोक पाती हूँ। नहीं रोक पाती हो? नहीं, एक बहन के सामने उसका भाई जेल के अंदर पड़ा हो, फिर एक बहन किस तरह से सबर करेगी भैया? तुम नहीं जानते, एक बहन के लिए भाई का होना बहुत जरूरी होता है। पहले ही अपने भाई जगत सिंह को मैं खो चुकी हूँ, लेकिन अब भगत सिंह को नहीं खोना चाहती भैया, अब भगत सिंह को नहीं खोना चाहती। कि कोई जीता है धन के लिए तो कोई जीता है गोरे बदन के लिए, पर जीना तो उसी का नाम है जो जिए अपने वतन के लिए। तुम क्या जानो कि जीना कैसा होता है? भगत सिंह जीना चाहता है तो वतन के लिए, और मरना चाहता है तो वतन की खातिर। आज ये भारत माँ पुकार रही है। तुम पे तो आजादी का जुनून छाया हुआ है, लेकिन एक बार तो अपनी बहन के बारे में सोच के देखो भैया। सोच लिया, लेकिन मेरी भारत माँ रो रो करके दुहाई दे रही है। क्या? कि जागो मेरे लाल, जागो मेरे शेर, जागो मेरे बेटो, समय आ गया है, बहुत सोली है मेरी गोदी में, उठो उठो बबर शेर बनो, हाथों में तीर ढाल तलवार उठाओ, दुश्मन का सर कलम कर दो। और क्या कह रही है भारत माँ? क्या कह रही है भैया? सुनिए, भगत सिंह तेरा हाल देख भर क्या आँखों में पानी, भगत सिंह तेरा हाल देख भर क्या आँखों में पानी, भारत माता मांग रही रे, भारत माता मांग रही हर वीरों की कुर्बानी। छह कदम हटाऊं
जवानी इलाके की आन बान शान कठुमर के विधानसभा विधायक महोदय बहुत ही लोकप्रिय जन जन के चाहने वाले हमारे बीच विधायक महोदय जी जो आज अपने बहुत ही कीमती समय से समय निकाल करके पहुंचे हैं। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार ताली बजा करके सम्मान एक बार जोरदार तालियों से आदरणीय बाबूलाल बेरवा जी विधायक महोदय हमारे बीच में पहुंचे उनका बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत सम्मान। सज्जनों हमारे माननीय विधायक जी भी एक बहुत बड़े सामाजिक और देशभक्त हैं। हर मजदूर वर्ग हर किसान वर्ग हर युवा वर्ग की चिंता करने वाले और रागनी देशभक्ति चल रही है, रागनी का जनून है और रागनी अपने जोश में है। एक बार विधायक जी के लिए एक बार जोशीली रागनी के लिए जोरदार ताली बजा दे, एक बार जोरदार तालियां। मत करना। कौन सा काम भैया? मत ना रुदनो, मचाइए सुन के, मत ना रुदनो, ए मचाइए सुन के, तो भाई की बलिदानी। अगर तुम चाहते हो इस देश के लिए तुम्हें फांसी पे चढ़ना है तो ठीक है भैया, मैं कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन एक बात जरूर कहूंगी। क्या? अंग्रेजों को सबक सिखाता है पर मुसीबत घड़ी सुहानी आएगी तो तुम क्या करोगी?
क्या भैया तू तकावेगी ते बखेरे चावल तू तकावेगी ते बखेरे चावल टूटर रूप बचाड़ा सजनागर भगत सिंह की अगली लाइन अगर ताली लगे तो मेरा नमन है आप लोगों को दोनों हाथ उठा करके मेरे वीर भगत सिंह को ताली बजा करके श्रद्धांजलि सुनने के बाद देना अगर उसकी बात अच्छी लिखी हो कभी ने क्या कह रही है कि मैं मर जाऊंगा हाँ भैया मेरी जान का गाड़ा हो जाएगा ये आजादी का ख्याल छोड़ दीजिए भैया तुम्हें यूँ पता है कि मैं कैसी दुल्हन लाने जा रहा हूँ अपने देश में कैसी दुल्हन तुमने सोचा भी नहीं होगा देशवासियों ने भी नहीं सोचा होगा और मैंने उसका नाम भी बता देता हूँ क्या नाम है भैया उसका अरे आजादी ने बिहार के नाम हेरी री 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 हेरी री 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 अरे आजादी ने बिहार के नाम आजादी ने बिहार के नाम अरे बने दुल्हन बने घर की दुल्हन रानी मुझे ऐसी दुल्हनिया मुझे ऐसी भाभी नहीं चाहिए भैया जो मेरे भाई की जान मांगती हो इसी दुल्हनिया ना चाहिए जो बन जा खसम खानी इसी दुल्हनिया ना चाहिए जो बन जा खसम खानी क्या शब्द बोला तेरा हिंदुस्तान बड़े भक्ति तेरा हिंदुस्तान बड़े भक्ति बड़ी पटड़े ऊपर पावेगी भारत माता खुश हो के धने छाती पे लगावेगी भारत माता खुश हो के धने छाती पे लगावेगी की कुर्बानी